वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ राधिका एंड आई होप एवरी वन इज़ सेफ एट देयर हाउस। तो आज मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ क्योंकि मुझे आपको शिवडाव रोड का अपडेट देना है, जो रोड गोवा और कोल्हापुर में 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कम करने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। और अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप पहले देख लीजिए, ताकि आपको समझ जाए कि 2 महीने में कितना फास्ट और कितना क्वालिटी काम हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे कहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वो पहले वीडियो देख लीजिए फिर इधर आइए। एंड लेट्स गो। अभी बारिश काफ़ी हो रही है, यहाँ पे जाना तो पड़ेगा, देखना है कितना हुआ है। मैंने खुद नहीं देखा है अभी तक काम कितना हुआ है, तो आपको साथ लेके चलती हूँ। मैं अभी दिखा रही हूँ, ये मेरे घर के सामने का रास्ता है। मैं कड़गांव एरिया में रहती हूँ और मैंने ये पहले शॉर्ट्स बना के रखे थे, सिर्फ जब मेरे घर के सामने बन रहा था रास्ता, तब का 1 महीने पहले का है ये। अभी ये पूरा रास्ता अच्छे से बन गया है एंड अच्छे से पूरा सीमेंट का रास्ता है। बस इन्होंने गाँव में ऐसे सीमेंट का रास्ता बनाया है। अभी जो हम लोग जा रहे हैं ये शिवडाव एरिया का रास्ता है, शिवडाव तांबाड़े उस साइड का, तो सिर्फ गाँव में सीमेंट का रास्ता है और बाकी जगह पर ऐसे डाम्बर जो बोलते हैं खड़ी, उसका रास्ता बनाया हुआ है। पूरा अच्छे से हो गया है शिवडाव एंड तक, बस जो एंड का एकदम गांव के आगे का रास्ता है वो थोड़ा बनना बाकी है, जो मैं आपको आगे आगे जाने के बाद, पहुंचने के बाद दिखा दूंगी। सो गाइस, फाइनली हम लोग शिवडाव एंड पहुंच गए हैं। इतना बस 1 किलोमीटर का रास्ता शायद होगा वो बचा है, उस पर भी उन्होंने खड़ी डाल के रखी है। एंड इसके बाद जो है आपको आगे दिख रहा है वो जंगल है पूरा, उस पर कुछ बना नहीं है, पता नहीं है वो कब बनने वाला है, बट इधर तक रास्ता अच्छे से हो गया है। एक छोटा सा रास्ता है, चल के जा सकते हैं, बट अभी मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि जंगल है पूरा अंदर एंड पता नहीं कोई भी एनिमल आ जाए, जैसे कोई है नहीं मेरे साथ इधर, इसलिए मैं नहीं जाऊँगी आगे। बट इसके आगे पूरा रास्ता बनना बाकी है, ये पूरा फोड़ेंगे और अच्छे से रास्ता बनाएंगे। ये देखो, आपको अगर दिख रहा है तो ऐसे है अंदर। तो गाइस, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बारिश हो रही है यहाँ पे और भीगने में, और मेरे को ये व्लॉग यहाँ पे एंड करना होगा। तो आप बता दीजिए मेरे को कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, और आपको क्या क्या देखना है और वो भी बता दीजिए, क्योंकि मैं लॉकडाउन में ज़्यादा घूम नहीं सकती, बट मैं जितना हो सके आपको वीडियोस बना के अपलोड करके दिखा लूँगी। तब तक मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मत भूलना, फ्री है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, थोड़ी सी मदद हो जाएगी भाई। और टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।